नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूँ कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है, और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें, तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है, और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है, अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है।
दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निंबुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है, और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है।
आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है।
लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है
वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार,
स्मिता जायकर, अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है, समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें, तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं, तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निंबुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन यूट्यूब पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन,
काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर यूट्यूब पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह
उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है।
वह दोनों ही जोरी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान
अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में हैं क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है। उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों
इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है, समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निंबुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में।
अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें, तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं, तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन यूट्यूब पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, कब
काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमाघर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह
उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फ़िल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फ़िल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फ़िल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है।
वह दोनों ही जोरी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान
अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निंबुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों
इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है, समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में।
अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें, तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं, तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो
तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक इसकी परमिशन यूट्यूब पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन,
काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है, अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है
उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही
योरी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है।
समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ, जो हेलन है, के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय
ये शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन
वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहना रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है, अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है, अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे।
आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन यूट्यूब पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है, और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं, तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें, तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है, और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में हैं क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है, अतः वह इटली चला जाता है। लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं, तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी,
साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लब थीम तरप तरप, अलबेला सजन काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह
उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में हैं क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है।
वह दोनों ही जोरी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं, वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान
अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में हैं क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूज़िकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में यह अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों
इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं, दरबार में विक्रम गोखले की बेटी है, समीर सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों, आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों, बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी, तब तक इसकी परमिशन YouTube पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फ़िल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये YouTube पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में।
अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है। और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमाघर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता हैं नंदिनी की माँ, और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन, काई पोछे, हम दिल दे चुके सनम, जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पे फ्री में हम दिल दे चुके सनम को देखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बता दूं कि यह फिल्म अभी YouTube पे फ्री में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह फिल्म अभी बहुत अच्छी कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो
तो जब तक दोस्तों यह फिल्म बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे कमाई करती रहेगी तब तक इसकी परमिशन यूट्यूब पे अपलोड करने की नहीं मिलेगी। बट मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही यह फिल्म को फ्री में अपलोड करने की परमिशन आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए फ्री में ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी यह तो फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में मूवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर दोस्तों बात करें इसके निर्माता निर्देशक का, तो संजय लीला बंसाली इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं। इसमें जो संगीत दिया है वो इस्माइल दरबार ने दिया है और यह फिल्म दोस्तों 18 जून 1999 को सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया था। अगर कुछ मुख्य भूमिका में आए हुए कलाकार की बात करूं तो इसमें सलमान खान जो समीर का रोल करते हैं, अजय देवगन वनराज होते हैं, ऐश्वर्या राय जो नंदिनी का रोल प्ले करती है, विक्रम गोखले पंडित हैं दरबार, स्मिता जायकर अमृता है नंदिनी की माँ और बहुत सारे अन्य कलाकारों ने इसमें काम किया है। अगर दोस्तों इस फिल्म की बात करें तो जो कहानी है वो नंदिनी से शुरू होता है, जो ऐश्वर्या राय है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध जो गुरु हैं दरबार में, विक्रम गोखले की बेटी है समीर, सलमान खान नामक युवा व्यक्ति पंडित के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए दरबार परिवार में साथ रहने के लिए आता है। उसे नंदिनी जो है वह बहुत अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के कमरे में उनको ठहराया जाता है। नंदिनी उसे नापसंद करने लगती है। पहले तो वो एक दूसरों को काफ़ी चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन जल्द ही ये चीज़ें प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों विवाह और त्योहारें सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम के दौरान अपना कई सारा वक्त बिताते हैं। एक दिन उन्हें पंडित द्वारा पकड़ा जाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने पहले ही नंदिनी की शादी वनराज जो अजय देवगन है उनके साथ तय की हुई है। समीर के घर से निकाल दिया जाता है और पंडित गायन छोड़ देता है। वह समीर से गुरु दक्षिणा के रूप में नंदिनी से कभी ना मिलने का प्रण लेता है। अतः वह इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई पत्र लिखता है जो उसके पास नहीं पहुंचते हैं। नंदिनी अनिच्छुक रूप से वनराज से शादी करती है। वह प्यार करता है, लेकिन नंदिनी उसकी तरफ रूखा व्यवहार करती है। अंततः नंदिनी समीर के पत्र प्राप्त करती है और वनराज भी उन्हें पढ़ लेता है। वह दोनों ही जोड़ी को एकजुट करने का सोचता है। नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं, लेकिन समीर की तलाश में कई दिन गुजर जाता है। वनराज की विनम्रता और अपने पति का स्नेह नंदिनी की तरफ आकर्षित होता है। आखिरकार वह समीर को उसकी माँ जो हेलन है के माध्यम से ढूंढने में सक्षम होता है। वनराज समीर के संगीत कार्यक्रम में रात को उनसे मिलने का व्यवस्था करता है। बाद में नंदिनी को अलविदा बोलता है और दूर चला जाता है। समीर से मिलने पर वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वह वनराज से प्यार करने लगा है। वह महसूस करता है कि वनराज ही उसकी असली जीवन साथी है। वह उससे वापस जाती है, उन्हें बताता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वनराज उसकी गर्दन में मंगलसूत्र बांधता है और एक दूसरे को गले लगा लेता है। दोस्तों यह फिल्म में अगर मैं गाने की बात करूं तो यह एक तरह से म्यूजिकल मूवी भी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप बात करो तो चांद छुपा बादल में जो उदित नारायण और अलका याग्निक के गाने हैं वो आज भी आप कई जगह सुनने को मिलेगा। जिसमें कि एक और गाने की बात करूं तो जो निम्बुरा है, आँखों की गुस्ताखियाँ, मन मोहिनी, साथ में झोंका हवा का, ढोली तारो ढोल बाजे, लव थीम, तरप तरप, अलबेला सजन,
काई पूछे हम दिल दे चुके सनम जैसे कई सारे अच्छे और हिट गाने दिए गए हैं। और दोस्तों आज भी यह फिल्म को काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं टेलीविज़नों पे। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने जैसा बताया कि अभी तो मैं यह अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां मैं आपको बताया हूं, लेकिन आने वाले समय में अगर YouTube पे परमिशन मिलता है और फ्री में ये अवेलेबल होता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए यह अपलोड